आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह सबसे पहले मुख्य समाचार मुख्यमंत्री ने क्नू राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के बसाहट की तैयारियों का जायजा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस कार्य का करेंगे शुभारंभ किसानों की आय बढ़ाना कृषि क्षेत्र में विकास का आदर्श मॉडल सिद्ध हो सकता है कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे और अमेरिकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में कैरोलिन गार्सिया का मुकाबला ओन जब्यूर से होगा अब समाचार विस्तार से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीते लाकर उन्हें बसाने का कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की बसाहट की तैयारियों के संबंध में अपने निवास पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा की राष्ट्रीय महत्व का कार्य है प्रधानमंत्री श्री मोदी श्योपुर जिले के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में इस कार्य का शुभारंभ सत्रह सितम्बर को करेंगे चर्चा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित तकनीक के अनुसार बसाने का कार्य किया जा रहा है जानकारी दी गई कि वर्ष उन्नीस में भारत में चीता विलुप्त घोषित किया गया था भारत में विलुप्ति की कगार पर पहुंचे चीतों की प्रतिस्थापना के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के अनुसार कार्य होगा उनू राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से लगे हुए गांव में पशुओं के टीकाकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है क्षेत्र के सभी गांवों में जागरूकता शिविर लगाए गए हैं यहां चीतों के रहवास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विकास किया गया है चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की तैयारियों से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश और समाज के लिए कृषि क्षेत्र का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है श्री तोमर ने आज नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना प्रबंधन इकाई का शुभारंभ करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर कृषि क्षेत्र में विकास का आदर्श मॉडल हो सकता है श्री तोमर ने कहा कि व्यापार और उद्योग क्षेत्र मजबूत और संगठित है ये क्षेत्र कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न पहल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है इन पहल में एक लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसर रचना कोष दस किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल है श्री तोमर ने कहा है कि कृषि उपज की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया गया है उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इस महीने की 12 तारीख को सुनवाई कर सकता है प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ 2019 के इस अधिनियम को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी अफगानिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदायों को भारत की नागरिकता की पात्रता देने संबंधी कानून सीएए ए दस जनवरी दो से प्रभावी हुआ था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण और विभिन्न बीमारियों के देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने पर मुख्य रूप से ध्यान दे रही है श्री मोदी आज सूरत जिले के ओलपाड में एक विशाल चिकित्सा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का मार्ग है जबलपुर जिले से अगस्त के अंतिम दिनों में एक हजार टन यूरिया सिवनी मंडला डिंडोरी और दमोह की सहकारी समितियों में पहुंचना था उनमें से आठ सौ नब्बे टन यूरिया गायब हो गया है आकाशवाणी की जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि करीब तीन करोड़ रुपए से अधिक का यूरिया सोसायटियों में नहीं पहुंच पाने से कृषि महकमे और विपणन संघ में हड़कम मचा हुआ है मार्गवेट के मंडल प्रबंधक ने पच्चीस अगस्त को जबलपुर में लगने वाले रैक से सिवनी के लखनादौन के लिए सौ मंडला बिछिया और निवास के लिए तीन सौ डिंडौरी और समनापुर के लिए चार सौ और दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तथा जबेरा के लिए 200 टन यूरिया आवंटित किया गया था संबंधित जिलों से यूरिया नहीं मिलने की शिकायतों के बाद चार दिन के अंदर उप संचालक और संयुक्त संचालक स्तर पर बैठाई गई जांच में भी चिन्हित समितियों में आवंटन से कम या बिल्कुल ही यूरिया नहीं पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है समाचारों में वक्त है ब्रेक का ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर ए आई आर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई या फिर ए आई आर न्यूज भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे सत्ता के केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम का राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है ये नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए सिरे से बनाया गया है इस अवसर पर श्री मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है आकाशवाणी दिल्ली आज शाम सात बजे एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनलों पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा ये कार्यक्रम आकाशवाणी लाइव न्यूज ट्वेंटी फोर चैनल पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और आकाशवाणी एआईआर यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगा श्योपुर जिले के कराहल में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की बहनों के उन्मुखीकरण और सह सम्मेलन सात सितम्बर को आयोजित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने श्योपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से वर्चुअली सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी हासिल की उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए गौरतलब है कि प्रदेश में तीन लाख छियासी हजार स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं इनमें तैतालीस लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं समूहों द्वारा सब्जी उत्पादन दुग्ध उत्पादन अगरबत्ती हैंडवॉश साबुन निर्माण कृषि और पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियाँ आजीविका पोषण वाटिका के संचालन के कार्य किए जा रहे हैं कुनूर राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की बसाहट कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी समूह की सदस्य महिलाओं से उद्यमशीलता की जानकारी प्राप्त करेंगे रेलवे के सभी 21 भर्ती बोर्ड के लेवल छह पदों के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के पदों के लिए सात हजार एक सौ नौ का चयन किया गया है रेलवे ने इस साल 30 जुलाई को लेवल छह गैर तकनीकी श्रेणी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित अभिरुचि परीक्षा आयोजित की थी अमेरिकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया का मुकाबला पांचवी वरीयता प्राप्त की ओन्स जेब्यूर से होगा और पहली वरीयता प्राप्त इगा छठी वरियता प्राप्त आरियना सबलिंका से खेलेंगी कल क्वार्टर फाइनल में विश्व की पहली नंबर की खिलाड़ी इगा सुक ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को छह तीन सात छह से हराया जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलारूस की आर्यना सबलिंका कैरोलिना प्लिसकोवा को छह एक सात छह से पराजित किया अब कुछ समाचार संक्षिप्त में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पॉन्सिबल टूरिज्म की टीम कल 9 और 10 सितंबर को जिला नर्मदापुरम के भ्रमण पर रहेगी सतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को जिला अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा बैतूल में विश्व साक्षरता दिवस पर स्कूलों में जहां अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया वहीं रैलियां भी निकाली गई मंदसौर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पर्यटन क्वीज़ प्रतियोगिता दस सितम्बर को लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर में होगी पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर पेंशन मिलने में किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर करने के लिए नीमच में 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा कृषि उपज मंडी खंडवा में नई कपास आने लगी है इस बुलेटिन में इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार